ग्लोबलाइजेशन 8 marker. क्वेश्चन क्या है? पहला है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन 4.0 एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर फेजेस. तो बाकी फेजेस भी बताने हैं, फेज क्या है और हाउ इट कैन हेल्प अस टू फाइट क्लाइमेट चेंज. इम्पॉर्टेंट क्यों है ग्लोबलाइजेशन 4.0 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ग्लोबलाइजेशन 4.0 वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2019 और कहाँ पर होती है? डाउस स्विट्जरलैंड. अभी जनवरी में हुई थी. देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी कि एक ग्लोबलाइजेशन 4.0 डिफरेंट फेजेस क्या क्या फेजेस है और तीसरा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है, चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें. तो ग्लोबलाइजेशन फेजेस, पहला फेज है आपका जब ट्रेड कॉस्ट कम हो रही है ना, ट्रेड बढ़ रहा है. दूसरा गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज बना रही है और उसके साथ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही थी. और तीसरा हमने जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और अभी क्या आया है ग्लोबलाइजेशन 4.0. क्या मेजर चीज़ें देखी इसमें? सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही है और इसको यूज़ करके फिर जैसे वर्क, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वाले काम हो रहे हैं और टेली माइग्रेशन हो रही है. इंडिविजुअल खुद कहीं भी माइग्रेट नहीं कर रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंटरनेट के थ्रू माइग्रेट कर रहा है, घर पे बैठे आप काम कर सकते हो. तो ये हमारे फेजेस और ग्लोबलाइजेशन 4.0 क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है ना. सबसे पहली चीज़ आ क्यों रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर ये डिस्कस हुआ था इस बार जो डेवस में जनवरी में हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ब्रिक्स में भी ये बात हुई है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी कि क्लाइमेट चेंज है ना, एक इसमें इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी, 3D प्रिंटिंग यूज़ हो रही है, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल आ रही है ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्री 4.0 के अंडर. फिर हमने देखा था क्लाइमेट चेंज ना, क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये यहाँ पर, कि जैसे IPCC की जो रिपोर्ट है 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कर्टेल करना है. एक हमने क्या देखा था, अलायंस है ना, अलायंस ऑफ CEOs अपनी इंडस्ट्री के अंदर एमिशन है, एमिशंस को कम करने में हेल्प करेंगे. इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना, कंट्रीज के बीच में से हमारा अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया के अंदर, लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं. नेक्स्ट कि पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन, पॉलिसी बनाओ उसको एक्सपेरिमेंट करो और उसको अप्लाई करो. और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग में हेल्प कर रहे हैं. इसके चैलेंजेस अभी हम क्या देख रहे हैं कि जगह जगह पर पॉलिटिकल क्राइसिस है, सीरिया है ना, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है क्लाइमेट चेंज पे. इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, ट्रेड वॉर्स ना, ट्रेड वॉर्स चल रही है कंट्रीज के बीच में. इनकम इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी आ रही है कंट्रीज. सर्विस सेक्टर है ना, इनकम इनइक्वालिटी का रीजन, नॉलेज कुछ लोगों के पास है, पैसा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और ओवरऑल इनकम इनइक्वालिटी आ रही है. ह्यूमन रिसोर्स स्किल नहीं हो पा रहे हैं, स्किल नहीं कर पा रहे हम ह्यूमन रिसोर्स को, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. और रीस्किलिंग नहीं होती है अगर, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कुछ, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, प्रिडिक्टेबल नहीं है एरिया, एथिकल लीगल इस एरिया में चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, कंप्यूटर्स जो रिसेंट बनाने हैं, सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं, इनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो ये चैलेंजेस रहेंगे. और इसके अंदर फिर हमने देखा था कि वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, कि आपका लोकल और रीजनल इकोनॉमी है इसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है. लास्ट में नोट्स में वे फॉरवर्ड में कि प्रायोरिटाइज करो सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस को, वल्नरेबल पॉपुलेशन इन पे हमको फोकस करने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की जरूरत है, इनोवेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल करिकुलम के अंदर. और अभी हम कर भी रहे हैं, देखो एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, एजुकेशन पॉलिसी इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में. तो हमारा करिकुलम हम चेंज करने की बात करें, इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं एजुकेशन में. फिर इनोवेशन, अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, हम चाह रहे हैं इनोवेशन हो बच्चों में, साइंस एंगेजमेंट और इमेजिनेशन, कम्युनिटी, लोकल नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी, इनका इन्वॉल्वमेंट इनके बारे में ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या बात करें, अवेयरनेस नहीं है लोगों को. तो ये ग्लोबलाइजेशन 4.0 का क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं. बुद्धिज्म नॉट ओनली एनरिच्ड इंडियन फिलॉसफी बट ऑल्सो लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन द एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स कि आर्ट आर्किटेक्चर पे इसका इम्पैक्ट है. Buddhism to revive the trust in the right to religious practice of self-awakening, shattering the shackles of casteism, classism, Varna system and strengthening the realization of God within self. The patrons of Buddhism being Rajput kings and wealthy merchants
who were earlier deprived of their rightful status under Brahmanism, funded Buddha's preachings, sculptures, construction work of pillars, arches, stupas, chaityas and viharas, where engraved were the paintings, chants, artwork depicting the lesson of Buddhism. These paintings inside the caves are integral part of Indian heritage. Sanchi Stup of Madhya Pradesh and Shanti Stup Ladakh are imprint of the most exquisite remains to architecture given by Buddhism. In 2004, the chants of Norgulinka Monastery won the Grammy Award for Best Folk Music. Along with it, the Thangka paintings, murals of Ajanta, sculptures like Buddha of Sultanganj, land capital of Ashoka at Sarnath are integral component of seal, sovereignty and identity of incredible India. Bahut badhiya. Arun sunao. Buddhism started in India and had a great influence on Indian philosophy. It had promoted middle path, thus helped the country in avoiding extreme ideologies. This has helped in creating an image of educator, enlightened and not a conqueror of India on a global platform. Buddhism has also helped in promoting art and architecture, as during the time of Ashoka, follower of Buddhism, many stone pillars were erected, for example, famous Sarnath pillar. Many caves were built which has beautiful fresco paintings in them, which have survived thousands of years, for example, Ajanta cave painting, Bagh cave, etc. Thangka paintings have been created in Himalayan monasteries of India. Also, the sculpted gateways, toran, dome-style architecture, were main influences in temple architecture in India. Of course, Buddhism, Buddha bhi kar raha hai thoda. Is a painting pe aaye the. So, kaise Buddhism se connected? Finally, first class after the result. एजेंडा देखते हैं अब किस तरीके से आगे हम मूव करेंगे. हफ्ते में दो क्लासेस होंगी, ठीक है, आपके ट्यूसडे थर्सडे दो क्लासेस रहेंगी और जो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे उसका टेस्ट होगा संडे को आपका टेस्ट होगा. मॉर्निंग में 3 घंटे का टेस्ट होगा और उसके बाद फिर उसका क्लास में डिस्कशन होगा और सेम डे आपकी कॉपी चेक करके आपको दे देंगे, ठीक है. इस तरीके से चलेगा अभी सिस्टम. और आपके जैसे अभी हमने एक वर्कशॉप रखेंगे यहाँ पर, सेकेंड सैटरडे होगा 10th को, ठीक है, 10th को सेकंड सैटरडे, तो वर्कशॉप हमारी एक आर्ट ऑफ एसे राइटिंग पे होगी. एसे किस तरह की इसे लिखे, क्या क्या चीज़ें अपने उससे पर्सपेक्टिव और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, तो ये आपका संडे को रहेगा. और फिर एक एसे का टेस्ट होगा ना 15 अगस्त, उस दिन भी छुट्टी है तो इस दिन टेस्ट होगा. बाकी आपकी डेली ट्यूजडे थर्सडे क्लासेस होती रहेंगी. क्या आप HAS मेंस 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वरिड हैं कि इसका वास्ट सिलेबस कैसे कवर करें? क्या आप अपने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिले? क्या आप इसी अटेम्प्ट में अपना नाम फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो रमन एकेडमी का टारगेट HAS मेंस 2019 कोर्स आपके लिए है.